हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले तो आप सोच रहे होंगे कि निखिल ने आंखों में काजल क्यों लगा है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा। चल, ये काजल नहीं है, कल काली चौड़स थी ना, जो डिया होता है ना, तो डिया की जो राख बनती है ना उसे मैस बोलते हैं। तो मैस क्या है कि आंखों के नीचे लगानी होती है काली चौड़स के दिन, तो उससे क्या है कि आंजनी नहीं होती, ऐसा बाप बोलते हैं। तो मैं हर काली चौड़स पे लगाता हूँ। आप गलत फहमी मत रहना कि मैंने काजल लगाया है, ठीक है, वैसे तो काजल ही लग रही है, काजल कह सकते हो, लेकिन ये मैस है तो वो मैंने इसलिए लगाया है। तो ये आप टेंशन छोड़ो, अब वो छोड़िए, हम अभी जहाँ जा रहे हैं ना उसके बारे में बात करते हैं। तो हम अभी जा रहे हैं कि कमाटी बाग, क्योंकि जमीन बोल रहा था, पुनीत भी बोल रहा था कि चलो कमाटी बाग देखने चलते हैं। मैंने बोला ठीक है, तो चलो, वैसे भी दिवाली चल ही रही है तो आज शायद जू बंद होगा, लेकिन बाग तो खुला ही है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा कमाटी बाग डिटेल में बताऊंगा। तो किसी ने नहीं देखा तो वो ब्लॉग में देख लेना, और जिसने देखा हो वो दूसरी बार देख लेना, ठीक है। और मैं पूरा शूट करूँगा, मतलब पूरा कमाटी बाग जगह है, कैसा दिखता है, क्या क्या है वहाँ करने को, क्या नहीं है, ठीक है। तो वो मैं पूरा आपको डिटेल ले लूँगा, ठीक है। तो आप बस ब्लॉग देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, और हैप्पी दिवाली टू ऑल, हैप्पी दिवाली सबको, मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से, ठीक है, आप सबको, ठीक है। तो आज तो दिवाली है, ठीक है, कल न्यू ईयर है, तो अभी निकलते हैं वहाँ ही सीधा, तो देखेंगे कैसा है और फिर चलते हैं। अरे देखिए, हम सयाजी बाग आ गए, तो देखते हैं सयाजी बाग में क्या नया है, क्या कुछ है, बस ठीक है। थोड़ा तो अंदर चलते हैं, चलिए भाई, काफ़ी बढ़िया बाग है, देखो ये है ना, बड़ा भी इतना है, पूरा दिन निकल जाएगा घूमते घूमते। जमीन भी अपना ब्लॉग बना, तो अभी तो क्या है कि पूरा घूमेंगे हम, ये बांस की लकड़ियाँ और सब। ये शायद विश्वामित्री नदी है हमारी बड़ौदा की। तो दिवाली है ना, तो इसलिए जू म्यूजियम और सब तो बंद है, लेकिन सिर्फ गार्डन चालू है। बाग तो क्योंकि बड़ा है ना, और जो ट्रेन थी तो ट्रेन से चालू है, तो वही अभी ट्रेन में बैठेंगे और घूमेंगे पूरा। बाकी सब एक्टिविटी भी सब बनी है, दिवाली है ना इसलिए, वो मैंने देखा था, लेकिन मैंने सोचा गार्डन तो हम घूम के आए, कुछ हो नहीं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गार्डन तो देखेंगे। पुनीत टिकट ले रहा है, टिकट लेके फिर ट्रेन में बैठ के घूमेंगे पूरा। टिकट लाओ, तो ये ले ली है टिकट, टिकट में कुछ ये देखिए, तीन टिकट ले ली है, 150 रुपये, 150 रुपया। अभी ट्रेन का इंतज़ार करते हैं, फिर आएगी तो, ये इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, क्यों नहीं होगा तो चलेगा, ये रखना होगा, ये रखना चाहिए। और मेरे जो भाई थे वो भी नाच कूट कर रहे हैं, देखो वो सामने, ये रहा मेरा भाई, मेरी मौसी का लड़का। मुंबई एक्सप्रेस आ चुकी है, अभी बॉम्बे घूम, ये रही ट्रेन देखो, अभी सब बैठेंगे फिर देखते हैं कैसा है सब। ट्रेन में वैसे तो हम बैठते ही है, ठीक है, तो ये घूमने वाली ट्रेन है, तो काफ़ी अच्छा लगता है इस ट्रेन में, देखेंगे। काफ़ी भीड़ हो रही है, पीछे भी देखो, और मेरा भाई इंतज़ार कर रहा है मेरी तरह, किसी का जो ज़िंदगी में आए। ट्रेन का सफ़र हो गया शुरू,
छोटे बच्चों के लिए पार्क भी बनाया है देखो। पैदा देखा था हमने बटक, ये रही बटक। बटक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बटक ये देखो बटक कहीं नहीं रहा, गम्मा है हमारा, गम्मा नहीं। ये रही बटक देखो, बटक छन देख सकते। केबल ब्रिज पे आ गए, केबल ब्रिज से ऐसा ही है। हाँ वही है, हमारे सूरत में है ना केबल ब्रिज, उसके जैसा ही है। रुको दिखाता हूँ, एक जो केबल ब्रिज है ना बिल्कुल सेम टू सेम हमारा सूरत का, ये देखो है ना पूरा, मतलब पूरा हमारा सूरत की तो बात ही कुछ अलग है। मॉडल भी तैयार, अब तो पुनीत आ गया ब्लॉग में, अभी तो चैनल सब्सक्राइब कर ही दो। ढूंढने के बाद जगह मिल गई, पेड़ के नीचे नीचे बैठे हैं मस्त गार्डन में। अभी 2:30 बज गए थे, टाइम का पता ही नहीं चला आज तो कि 2:30 कैसे बज गए, नहीं भूख लगी कुछ नहीं। अभी बैठे हैं थोड़ी देर में खाना खाने का सोचते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है चलो बाद में बात करते हैं। तो सयाजी बाग से कहा गए थे, फिर मनमोहन के समोसे खाने गए थे और वो काफ़ी अच्छे थे। मैंने बोला ही था कि मनमोहन के जो समोसे हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। अभी 7 मॉल में आए थे तो यहाँ बर्गर खाने आए थे। पुनीत बोल रहा था कि आज तो बर्गर खाना ही है, मैंने उसको कल बोला था मैं तुझे आज बर्गर खिला के ही रहूँगा, मैंने खिलाया ना बोला था ना, मैंने बोला था इसलिए अब मैं आज खिला के ही रहूँगा उसको। और इसको ठीक है तो अभी तो बर्गर आएंगे तो खाएंगे, फिर मूवी जाना है लेकिन आज वो नक्की नहीं है, देखते हैं क्या होता है, कल जाएंगे या आज जाएंगे वो। ठीक है
खुद से हुआ हूँ, मुझे मुझको तू मिला, बादलों के इस जहां में आसमां तुझ में मिला, काफिरा तो चल दिया इस सफर के संग, काफिरा तो चल दिया इस सफर के संग, मंजिल ना डोर कोई लेके अपना रंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, मैं मलंग हाय रे। तो अभी मूवी देखने आ गए हैं, तो आज का जो पूरा दिवाली का दिन था वो पूरा का पूरा अच्छा हो गया। सुबह वहाँ गए थे ठीक, और शाम को यहाँ आ गए। और क्या चाहिए, अभी टिकट लेनी थी तो वो ले ली। फर्स्ट एंड फ्यूरियस 9 देखेंगे, काफ़ी पहले आ गए फिर भी हम अभी देख रहे हैं, क्या करें अभी टाइम ही नहीं मिलता। तो और दूसरा नो टाइम ओके, कैश कैश टिकट ले ली है। अभी 9 बजे शो है, अभी तो कितने बजे पता आपको, 8:49 हुई तो अभी तो 10 मिनट की देरी है, और भीड़ देखेंगे वहाँ है कि नहीं ठीक है। और PVR की एक अच्छी बात कौन सी है कि वो टिकट कागज़ में नहीं देते फिलहाल, कागज़ में नहीं देते, वो ऑनलाइन SMS ही कर देते हैं। जितने पेड़ ज़्यादा बचेंगे, जितने वो हम जितना कम यूज़ करेंगे उतना क्या है कि कम वो नुकसान करेगा इसलिए। तो अभी शो लगभग स्टार्ट होने वाला है, तो हम गए इधर बैसो बैसो। तो स्टार्ट होगा तब देखेंगे, अब बिल्कुल खाली कोई नहीं है हम थोड़े बहुत ही हैं। G1234 देहा जहाँ पे थैंक यू फॉर चूजिंग PVR, योर सेफ्टी इज आवर प्रायोरिटी। अभी शो स्टार्ट होने वाला है, वो तो मैं आपको नहीं बता सकता ठीक है। तो अभी शो के बाद मिलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर। पूरे रात के 12 बजे है, व्लॉग पता नहीं कब अपलोड होगा, लेकिन अभी 0000 है, 0 मिनट 0 आवर और 0 सेकंड तो नहीं कह सकते, 0 मिनट और 0 आवर ठीक है। तो मूवी खत्म हो गई और हम आ गए सीटे घर। अभी कल न्यू ईयर है तो कुछ नया है तो देखते हैं, कल पता चल जाएगा ठीक है। चलो गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। जो लॉग है वो यहाँ पे खत्म ठीक है। अभी इंक्रीज अवर नॉलेज वाले पार्ट में मिलेंगे, टाइम टू इंक्रीज अवर नॉलेज। तो आज से जो इंक्रीज अवर नॉलेज वाला पार्ट है ना, तो उसमें थोड़ा मैंने चेंज किया है ठीक है। मैं पहले क्या बोल रहा था कि एक पर्टिकुलर जो टॉपिक होता था उसके बारे में बता था, लेकिन आज से मैंने अब चेंज कर दिया है। अब से मैं जो इंक्रीज अवर नॉलेज वाला पार्ट है तो उसमें 5 questions डेली कराऊँगा मैं आपको करंट अफेयर के बारे में, 5 जो चीज़ें हुई होगी ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताऊँगा क्वेश्चन के ज़रिए ठीक है। तो आज का जो पार्ट है वो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 7 नवंबर को। आज का दूसरा क्वेश्चन, तो हाल ही में CS वेंकट कृष्णन को किस बैंक का CEO नियुक्त किया गया? तो वारकलेज बैंक का। वारकलेज बैंक जो है वो 1896 में एस्टेब्लिश हुई थी, उसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो लंदन में है ठीक है। आज का तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा के बारे में समझौता किया है? तो वो देश सेनेगल है, भारत ने सेनेगल के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता किया है। आज का चौथा क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डे घोषित किया है? तो उसका जवाब है श्रीनगर हवाई अड्डा। तो केंद्र सरकार ने श्रीनगर हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है। आज का आखिरी क्वेश्चन मतलब 5वां क्वेश्चन,
हाल ही में जो जारी हुई अप्रूवल रेटिंग की लिस्ट है तो उसमें शीर्ष पे कौन रहे, मतलब टॉप पे कौन रहे, तो वो है हमारे नरेंद्र मोदी। तो अप्रूवल रेटिंग्स में क्या होता है, वो किसके लिए आते हैं, तो दुनिया भर के जो पॉपुलर नेता है तो इनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन है, तो उसके ज़रिए उसको रेटिंग मिलती है। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है माननीय नरेंद्र मोदी, तो उनको क्या है कि वो फर्स्ट पे है, मतलब वो टॉप पे है, तो इस साल वही बने हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलो तो अभी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, नेक्स्ट इनक्रीज अवर नॉलेज वाले पार्ट में। ठीक है, बाय एवरीवन, टेक केयर।